नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही 8 विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार से हुई आरंभ। हिमाचल विधानसभा के बाहर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, विधानसभा में हुए हंगामे के मास्टरमाइंड है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश को दी कई बड़ी सौगातें, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई। सदन की बैठक शोकोद्गार से आरंभ हुई। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान 8 विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। इन सदस्यों में एक मौजूदा सदस्य सुजान सिंह पठानिया भी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत सदस्य मिलाराम सावर, रणजीत सिंह बख्शी, कुमारी श्यामा शर्मा, चंद्रसेन ठाकुर, रघुराज, तुलसीराम शर्मा, ओंकार चंद व सुजान सिंह पठानिया को लेकर शोकोद्गार प्रस्तुत किया और इन सदस्यों को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा। इस शोकोद्गार में विपक्ष की तरफ से आशा कुमारी और अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत सदस्यों के योगदान को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। 3 दिवसीय शिमला दौरे के अंतिम दिन दिल्ली लौटने से पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेनों के सभी डिब्बे बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर की खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए डिब्बों में बड़े शीशे लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कालका शिमला रेल लाइन पर तीखे मोड़ों की स्टडी के बाद रीअलाइनमेंट की संभावना को देखते हुए बजट दिया जाएगा। इसके अलावा जगाधरी से पांवटा साहिब तक रेल लाइन की संभावना का सर्वे होगा। गोयल ने कहा कि ये सभी कार्य 15 अगस्त 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित माल को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए जगाधरी पांवटा साहिब के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा कालका शिमला ट्रैक पर रेल गति में सुधार की संभावनाएं तलाशने के लिए RDSO द्वारा अध्ययन भी किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच आयोजित एक बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए 770 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2009-14 के दौरान आवंटित औसत बजट से 613% अधिक है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि कालका शिमला रेल डिब्बों का डिजाइन पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से विस्टाडोम जैसे डिब्बे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि सैलानी इस रेल ट्रैक पर खूबसूरत घाटी का मनमोहक नजारा देख सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भानुपल्ली, बैरी और चंडीगढ़ रेल लाइन के कार्य में भी तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने भानुपल्ली बैरी रेल लाइन के लिए 405 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बल देने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां इस रेल लाइन के सहयोग से कच्चे माल की ढुलाई करने के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर उत्पादों को आसानी से पहुंचा पाने में समर्थ होंगी। वहीं बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड काल सभी के लिए मुश्किल दौर रहा है, बावजूद इसके देश इस महामारी से निपटने में आत्मनिर्भर बना। उन्होंने बताया कि रेलवे ने 28 फरवरी 2021 तक 110 करोड़ टन माल ढोया है। मंत्री ने बताया कि हिमाचल में रेलवे के विस्तार के लिए मोदी सरकार तत्पर है। हिमाचल में चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
किया गया है। इसके अलावा भानुपल्ली बिलासपुर लाइन के लिए 405 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय में हिमाचल के लिए 108 करोड़ सालाना का प्रावधान था, जिसमें अब 7 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष के बजट में 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए दिए गए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि कालका हेरिटेज रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए इस ऐतिहासिक ट्रैक की दोबारा अलाइनमेंट की जाएगी, जिसका बजट स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रेल डिब्बों में सुधार किया जाएगा और सारे के सारे डिब्बे बदल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौंटा साहिब को जगाधरी से जोड़ने के लिए भी रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए केंद्र की मोदी व प्रदेश के जयराम ठाकुर के डबल इंजन की सरकार में रेलवे भी अपना इंजन जोड़कर विकास को दोगुना करेगी। उन्होंने कहा कि यह सारे प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पीयूष गोयल ने कहा कि बद्दी में BIS की लैबोरेटरी लगाई जाएगी, जिससे यहां पर निर्मित प्रोडक्ट्स को जांच के लिए बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन तीन लाइन नई लाइनें प्रोजेक्ट्स का काम अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को लाभ देगा, और इन सभी प्रोजेक्ट्स में हम आगे तेज गति से काम करेंगे। एक और खुशखबरी जो मैं आज देने के लिए उत्सुक हूँ, जो पिछले दो दिन की बैठकों में ही तय हुआ है, जिससे मुझे विश्वास है आपको आनंद होगा, जो कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन वर्षों से शिमला की सेवा कर रही है, इसमें हमने मेरी पिछली विजिट में 2 साल पहले कोशिश की थी कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत स्टीप ग्रेडियंट है और कर्वेचर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया और एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अगर कुछ हिस्सों में ग्रेडियंट ज़्यादा है या अगर कर्व बहुत शार्प है, तो राज्य सरकार भी हमें मदद करेगी और हम कोशिश करेंगे कि उन स्टीप कर्व्स को अगर हम थोड़ा और रीअलाइनमेंट करके स्पीड बढ़ा सकें, तो उसके लिए आज मैंने ऑर्डर किया है कि RDSO के अधिकारी यहाँ पे आएंगे और एक नई स्टडी करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट चेंज करके, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे तो हम सफल नहीं हुए स्पीड बढ़ाने में, लेकिन एक थोड़ा रीअलाइनमेंट करके अगर स्पीड बढ़ सके, तो उसका मैंने आज आदेश जारी कर दिया है। RDSO के अधिकारी आके देखेंगे, टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है पहाड़ों में, फिर भी पुनः एक बार हम कोशिश करने के लिए सर्वे करेंगे। उसका बजट मैंने आज अप्रूव कर दिया, अधिकारी आके उसको स्टडी करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदेश के लिए दी गई विभिन्न सौगातों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभारी हूं, और हिमाचल प्रदेश में उनका आना जाना होता रहता है, मिलना भी होता रहता है। दिल्ली में भी हमको वो अपने मंत्रालय के अतिरिक्त दूसरे मंत्रालयों से भी सहयोग करते हैं। आज जो उन्होंने आज कुछ घोषणाएं की हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रेलवे का विस्तार करने की दृष्टि से 770 करोड़ रुपए की राशि, ये राशि अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। एक तो ये बात जिसके मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, कालका से शिमला जो पुरानी बोगी हैं, जो पुराने जो हमारे कोच हैं रेलवे के, वो ऑब्सलीट है, पुराने हो गए हैं, बहुत ख़राब हालत में है। इनको सबको स्क्रैप करके नए जो है वहाँ पर कोच दिए जाएंगे, और वो कोच इस तरह के होंगे वो जिसमें जो है वो व्यू देखने की पूरी गुंजाइश होगी, पूरा शीशा ट्रांसपेरेंट होंगे वो, तो वो एक अच्छा एक निर्णय उनने लिया है। तीसरी बात उनने कही है कि जोगिंद्र नगर पठानकोट के लिए भी हम उसी तरह से विचार करेंगे, और जहाँ जहाँ इस रेलवे ट्रैक को जो है, क्योंकि ये हेरिटेज है और हेरिटेज के इसमें आते हैं, तो इसलिए इसको छेड़ना तो मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ये कर्व के कारण हमारी ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, उसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है लैंड की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साधनों की अवेलेबिलिटी के साथ, उस पर निश्चित रूप से विचार करने के लिए उनने कहा, और सर्वे के लिए उनने अपने डिपार्टमेंट को कहा है।
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर खूब हमला बोला। सत्र से निलंबित कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायक गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि अन्य विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने निकल गए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य निलंबित विधायकों ने साफ कर दिया कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही धक्का मुक्की की गई। उन्हें कहा कि डिप्टी स्पीकर द्वारा ही विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई। हिमाचल विधानसभा के बाहर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सारे प्रकरण को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सोची समझी साजिश बताते हुए इसका मास्टरमाइंड करार दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्यपाल का विरोध करना उनका अधिकार है और इसके बीच में जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने घुसपैठ की उससे माहौल खराब हुआ और टकराव भी सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे वो सभी लाइव देखा जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम खुद इस गुंडागर्दी को लीड कर रहे थे और अपने लोगों को धक्का मुक्की और हाथापाई के लिए इशारा कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मामले बनाए गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की विपक्ष को लेकर मंशा कितनी लोकतांत्रिक है। विरोध सदन के भीतर और बाहर चलता रहेगा। सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार को लगता है कि हमारे बिना सदन की गरिमा बढ़ती है तो वो बाहर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हिमाचल की जनता सब देख रही है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है और इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप चुने हुए 5 विधायकों को जो है घेरेबंदी करके इतने 90 आदमी लगा दिए आपने, 5 आदमियों के ऊपर इतने पुलिस छावड़ी बना दी हुई है आपने, तालाबंदी कर दी हुई है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से नहीं जाएंगे। यहाँ पे लोग लेके बैठे हुए थे कि यार किस किस को रोकना, हमने कहा हमने दिया पोस्टर भाई ये है 5 जिनको रोकना, आप हमारी शक्ल पहचानने में अगर किसी की दिक्कत आ रही है तो हमने खुद ही फोटो दे दिए उनको कि ये वाले रोकने हैं। तो हम जो है डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये जो है सारा जो किया गया है तांडव जो है, ये जो रचा गया है सारा, ये मुख्यमंत्री ने रचा है। ये जयराम प्रायोजित कार्यक्रम है, इसके मास्टर माइंड मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो है ये तय किया कि गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना। गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना तो विपक्ष को विश्वास में लो ना। वैसे तो एड्रेस ऐसा है वो किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, कचरा है, उसको कौन पढ़ेगा। उसमें वो बातें ही नहीं की गई हैं जो किसान की बात है। किसान कितने किसान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, जो दिल्ली की सरकार इनको सिखा रही है कि दिल्ली में किसान की एंट्री नहीं देनी है, कीलें लगा दो, तारे लगा दो, फ्ला कर दो, वही जो है ये यहाँ पे अपना रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य उनको तो हनन हो गया। बंद विधानसभा, विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, मंडे तक स्थगित कर दिया गया। आप कभी आपने सुना कि बंद विधानसभा में MLAs को जो है निष्कासित किया गया हो? चलती विधानसभा में अंदर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कुर्सियां चल गई हों, कोई मारकुट अंदर हो गई हों और कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई, अंदर कुछ नहीं हुआ, विधानसभा स्थगित हो गई, स्थगित विधानसभा में आप MLA को बाहर निकाल रहे हैं? ऐसा कभी हुआ? कभी देश क्या दुनिया में कभी हुआ होगा? ये कुछ भी कर सकते हैं। मंशा क्या लगती है सर, सरकार क्या जो महंगाई आ रहा है? नहीं, मंशा सीधा ये है कि मुद्दों से बचना चाहते हैं, राज्यपाल की आड़ ले रहे हैं और समय निकालना चाहते हैं। पिछला सेशन कराया नहीं, इस सेशन को ऐसे ही जो है कट शॉर्ट करना चाहते हैं, स्पीकर्स को बाहर निकाल के जो है अपना समय काटना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की कोशिश है। अंदर नहीं होगी तो ये बाहर बात होगी, बाहर नहीं होगी तो जनता के दरबार में बात होगी। और असल में मुख्यमंत्री जो है तानाशाह हो गए और अहंकारी हो गए। उनके मन में अब जो ये आ गया है कि मैं सम्राट जयराम हूँ हिमाचल प्रदेश का और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे एक आदेश से 5 MLA बाहर बैठ सकते हैं, मेरे एक आदेश से राजद्रोही हो सकते हैं। अब ये हो गया है,
ये दिमाग में जो है भर गया है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हुए घटनाक्रम और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने ऐसा नहीं किया और अब देरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हुआ वह सब ने देखा कि कौन क्या कर रहा था। उन्होंने राज्यपाल का रास्ता रोकने और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के विपक्ष की हरकतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विधानसभा के बजट सत्र की दूसरी बैठक के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार घटना को सियासी रूप देने की कोशिश कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि मेहरबानी से उनको ये आरोप लगाने की अब बार बार इस प्रकार से कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आप सब लोगों ने आंखों से देखा है, आप सब लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा कि कौन क्या कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनको समझना चाहिए कि जो हो गया उसको स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है। अगर गलती नहीं मानने के लिए तैयार होंगे ऐसी सूरत में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी गलती को छुपाने की उसमें गुंजाइश है ही नहीं उनकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी मंत्री के साथ, किसी विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी रास्ते रोकने की बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन राज्यपाल महोदय जी का इस प्रकार से रास्ता रोकना, गाड़ी में बैठते हुए उस वक्त रोकना, गाड़ी में बैठ करके उनकी गाड़ी को बहुत ज़ोर से जो है मुक्के मारना, उसको बैंक करना, ये सारी चीज़ें कतई भी किसी भी आदमी ने ना तो पसंद की है और ना ही किसी को ये करने की इजाज़त कानून की दृष्टि से दी जा सकती है। ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि विधानसभा का सत्र चला है और विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, इसलिए विपक्ष की ओर से, हमारी ओर से, जो सरकार की ओर से जो विपक्ष को जो सम्मान स्थान जो जिसके लिए हकदार हैं वो उसमें देने में आज से पहले कहीं भी कोताही नहीं रही है, कहीं भी कमी नहीं रही है। लेकिन बार बार इस सारी घटना को राजनीतिक दृष्टि से वो एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधायक इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापारी कल्याण कोष गठित करने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, ताकि आवश्यकता के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री शिमला में हिमाचल प्रदेश ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि करों के माध्यम से व्यापारी प्रदेश के राजकोष में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार GST की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयासरत है और इसे व्यापारियों के हित में बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुराने नियमों को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भार उठाने वाली विभिन्न मशीनों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व्यापारियों के लिए नियमित रूप से शिविर लगाएगा। इससे जहां व्यापारियों के समय की बचत होगी, वहीं मशीनों के प्रमाणीकरण में अनावश्यक विलंब भी दूर होगा। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न केवल आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित बनाई है, बल्कि कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान सुमेश कुमार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मार्केट शुल्क विपणन मंडी के अलावा किसी भी प्रवेश द्वार अथवा अन्य स्थान पर नहीं वसूला जाए। उन्होंने आग्रह किया कि व्यापारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर कोविड का टीका लगाया जाए। हिमाचल विधानसभा की ई विधान प्रणाली को अब धीरे धीरे देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं और पेपरलेस की तरफ राज्य बढ़ रहे हैं। इसी मकसद से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल शिमला स्थित हिमाचल विधानसभा की ई विधान प्रणाली को देखने पहुंचा, ताकि हरियाणा भी हिमाचल विधानसभा के इस मॉडल को अपना सके। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद और उनकी टीम को ई विधान प्रणाली की बारीकियों से अवगत करवाया।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहुंची सदस्यीय टीम का प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शिमला विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया और ई विधान प्रणाली की बारीकियों से अवगत करवाया। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में ई विधान प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है और कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपना लिया है। हरियाणा विधानसभा भी इस प्रणाली को लागू करना चाहता है, इसलिए इस ई विधान प्रणाली को समझने के लिए हरियाणा विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो पूरे देश में एक ऐसी विधानसभा के रूप में तैयार हुई है कि वहाँ पर वो विधानसभा ई विधानसभा के रूप में उन्होंने व्यवस्थाएँ खड़ी की हैं, यानी पेपर लेस विधानसभा और उसमें कम से कम काम को सुचारू रूप से करने के लिए साधनों की व्यवस्था, उसी को देखने के लिए आज श्री ज्ञानचंद जी व हमारे चार सहयोगी MLA यहाँ पर आए हैं। ये एक मॉडल है पूरे देश के लिए। मैं समझता हूँ कि इस मॉडल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल जो MLAs हैं उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ी है और अपडेट भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र से रहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति की बदली हुई परिस्थितियों में इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना ये हमारा धर्म है। तो इसी लिए वो यहाँ पर आए हैं। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, यहाँ पर भी वो अंदर उपस्थित रहेंगे, उसके उपरांत वो ई विधानसभा का जो हमारा मॉडल है उसको प्रत्यक्ष भी देखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा भी ई विधान प्रणाली को लागू करना चाहता है, जिसके लिए बजट इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। बारीकियों को समझने के लिए प्रतिनिधिमंडल शिमला विधानसभा पहुंचा है ताकि हरियाणा विधानसभा भी पेपरलेस हो सके। हिमाचल विधानसभा सबसे पहली विधानसभा ऐसी थी कि जिसने अपने आप को पेपरलेस किया और हमने भी संकल्प किया है कि हरियाणा विधानसभा को भी हम पेपरलेस करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने कुछ मीटिंग्स की हैं, MOU हमारा साइन हो गया है, लेकिन आज हमारी टीम जो है प्रैक्टिकल रूप से इसकी वर्किंग कैसे होती है, विधानसभा के अंदर विधायक कैसे इसके ऊपर चर्चा करते हैं, किस प्रकार से उनकी हेल्प की जाती है या क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए मैं अपनी टीम के साथ, मेरे साथ असीम गोयल जी हैं, विधायक MLA अम्बाला से हैं, तो हम आज विधानसभा के अंदर जाकर के भी वहाँ की जो वर्किंग है उसको देख करके हम अपनी विधानसभा के अंदर इस पेपरलेस विधानसभा जल्दी से जल्दी बना सकें, ये हमारा प्रयास है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की शिमला शहरी कमेटी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकार बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने में लगी है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर केंद्र सरकार लोकतंत्र पर हमला कर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को तेजी से लागू कर रही है। CBIM का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ी है। शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे माकपा नेताओं ने जयराम सरकार पर भी खूब हमला बोला। केंद्र व राज्य की सरकारों के द्वारा जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और इन जनविरोधी नीतियों के कारण जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार जिस तरीके से कॉरपोरेट घरानों को छूट दे रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को छूट दे करके आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रही है, इस आर्थिक बोझ के कारण आज हमारे देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में लगातार खाई बढ़ती जा रही है। बावजूद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जनता को सुविधाएं देने के बजाय जनता के ऊपर आर्थिक बोझ लाद रही है, जिसका उदाहरण आज हम अपने शिमला शहर के अंदर भाजपा शासित जो नगर निगम है जिस तरीके से पानी व कूड़े की दरों के अंदर वृद्धि कर रही है, पहले इन्होंने वायदा किया था कि जब ये नगर निगम की सत्ता के अंदर आएंगे, इन्होंने कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और हम जनता को सुविधाएं लेंगे देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी का पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है। शिमला जल प्रबंधन कंपनी गठित करके पानी के लाखों हजारों रुपए के बिल शिमला शहर की जनता को दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके का
काम नगर निगम को करना चाहिए था जनता की सुविधाओं के लिए, कूड़े के बिल, चाहे मकान बंद है चाहे खुला है, कूड़ा उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, उसके बावजूद भी कूड़े का बिल जबरदस्ती लिया जा रहा है तो इन बातों को लेकर के आज भारी पार्टी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार जिस तरीके से उन्होंने वायदा किया था 2014 के अंदर 2019 के अंदर कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी की तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आज जनता विरोधी निर्णय ले रही है। मात्र अंबानी, अदानी और बड़े कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए जनता के ऊपर आर्थिक बोझ लाद रही है, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और ये 2014 के अंदर जिस तरीके से मोदी के बड़े बड़े फ्लैक्स लगे थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब जनता को साफ नजर आ रहा है कि 100 रुपये के करीब जो आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल पहुँच गया है, डीजल 90 रुपये के आसपास पहुँच चुका है, और इससे पूरी महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीना दूभर हो गया। इसी बात को लेकर के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये विरोध प्रदर्शन। युवाओं को करियर से संबंधित आवश्यक टिप्स देने और गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही सिविल स्टेप एकेडमी पढ़े लिखे युवाओं के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। किताबी ज्ञान के साथ साथ युवाओं में छिपी प्रतिभा को उजागर करने और उनके चहुमुखी विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण देने वाली संस्था में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने शिक्षाविद IAS और HAS की तैयारियों में जुटे युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। इसी के मद्देनजर अकेडमी द्वारा HAS परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शिमला की होटल होलीडे होम में फ्री HPS मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में सेवा दे रहे IAS अधिकारियों और कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया और इस संदर्भ में आवश्यक टिप्स दिए। हम लोग अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हिमाचल में भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, रैंक वन, जैसे यामिनी ठाकुर हमारे ही एकेडमी से बिलोंग करती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक HAS के लिए मॉक इंटरव्यू पैनल स्टैब्लिश किया है, जहाँ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स आके फ्री ऑफ कॉस्ट कैंडिडेट्स को गाइडेंस दे रहे हैं और उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी एक मुहिम चला रहे हैं हम, ताकि हिमाचल के अंदर भी अच्छी एजुकेशन मिल पाए और वे लोग जो पैसे के अभाव से या किसी और प्रकार के कंस्ट्रेंट से अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। हम आपके ही बीच शहर शिमला के अंदर इस प्रकार से उपलब्ध हैं। कोरोना के चलते एक साल बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विज्ञान विषयों के छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खुल गया है। हालांकि पहले दिन काफ़ी कम संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे, जिस वजह से पहले ही दिन कक्षाएं नहीं लग पाई। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागों को तो खोल दिया है, लेकिन जब तक छात्रावास नहीं खुलते तब तक छात्र अपनी कक्षाएँ लगाने के लिए विश्वविद्यालय नहीं आ सकेंगे। छात्रों के सामने परेशानी आ रही है कि हॉस्टल खोले नहीं गए, ऐसे में छात्र कहाँ रुकेंगे। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रावासों को खोल देना चाहिए। एक साल के लंबे अंतराल के बाद खुले विश्वविद्यालय के पहले ही दिन कैंपस पहुंचे साइंस विषयों के छात्रों ने कहा कि कक्षाओं को खोलने का फैसला राहत देने वाला है, लेकिन अब यह आवश्यक है कि विभागों में सुचारू रूप से कक्षाएं शुरू हों और खासकर उनके प्रैक्टिकल करवाए जाएं। छात्रों का कहना है कि भले ही ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही थी, लेकिन नेटवर्क सही न होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और ना ही ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई हो पा रही थी। वहीं साइंस विषयों के छात्रों के लिए सबसे आवश्यक प्रैक्टिकल होता है, जो अब नियमित कक्षाएं लगने के बाद ही विभागों में हो पाएंगे। जो अथॉरिटी है उसने ये कहा था कि हम जैसे ही आपकी विंटर की वैकेशन खत्म होती है हम उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और 22 फरवरी को यूनिवर्सिटी खोलने के जो एक चर्चा है यूनिवर्सिटी अंदर बनी थी या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 22 फरवरी से खुल जाएगा, लेकिन अभी तक आज 1 मार्च है और अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसके अंदर आई नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी खुलेगी। इसके साथ साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसको भी स्टूडेंट मूवमेंट के चलते खोला गया है, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी को जो बोल रहा है कि हम फेज वाइज खोलेंगे या कुछ और तरीके से खोलेंगे, इवन और के तरीके से खोलेंगे, उसमें बिल्कुल नाकाम है। और साथ ही साइंसेज के अंदर ये कहा गया है कि आज मंडे 1 तारीख से वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होगी, प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, तो ये फिजिबल नहीं है। यहाँ पे अभी तक कोई ऑफिशियली कुछ नहीं इसका है, सिर्फ जनरल चर्चा परिचर्चा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और 15-16 तारीख से यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम करवाने की बात यूनिवर्सिटी कर रही है और उन्होंने डेट शीट जारी कर दी है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो साइंस के स्टूडेंट्स को आ रही है, क्योंकि साइंस के अंदर जो स्टूडेंट है उसने ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर लगाई है, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम है साइंसेज का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोसाइंसेज का, माइक्रोबायो का, उसके अंदर प्रैक्टिकल
के अंदर स्टूडेंट ने कुछ भी उसके अंदर नहीं किया है, और जो स्टूडेंट है वो ये डिमांड कर रहा है कि जो आपकी ये एग्ज़ाम की डेट है जो साइंसेज की, उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाए ताकि स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासें लगा सके और अपना जो प्रैक्टिकल का काम है उसको कर सके। और छात्रों का यह भी कहना है कि एचपीयू ने विभागों को तो खोल दिया है लेकिन अब तक छात्रावास नहीं खोले गए हैं। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल न खुलने की वजह से बहुत से छात्र अभी तक कक्षाएं नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को हॉस्टलों को खोल देना चाहिए। जैसे कि बोला गया था कि क्लासेस लग जाएंगी तो हम घर से आगे थे और लाइब्रेरी तो खुली गई थी, तो हमने सोचा शायद हॉस्टल भी खुल जाएँ। इन्होंने बोला कि खुल जाएंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन दी कि हम 22 को खोल देंगे। फिर तब से मैं यहीं पे हूँ, तो हॉस्टल जैसे कि खोल नहीं रहे हैं, हमें रहने दे रहे हैं वहाँ पे। और जैसे कि हम रूम्स में मतलब बहुत टफ है रहना, मतलब इतना प्राइस है वगैरह, और हॉस्टल जल्दी से जल्दी खोले जाएँ ताकि हम वहाँ रह सके और हमारे एग्जाम्स अब आ रहे हैं तो फिर एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। जी बात करें ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा है कि जैसे नेटवर्क का इशू होता है, कभी तो क्लास नहीं कट जाती है, सिग्नल नहीं है, कभी समझ नहीं आ रहा है कुछ। कई हद तक थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कहीं कहीं हुआ, लेकिन इतना भी मतलब वो नहीं है, मतलब जिसे कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे हमारा है कि हम ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो नहीं है मतलब। शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवता साहिब जीशर खड़ाहन से रामपुर तक निकाले जाने वाली फाग यात्रा पर आधारित वीडियो सीडी की विधिवत लॉन्चिंग की गई। इस वीडियो सीडी में देवता साहिब की पूरी फाग यात्रा का गीत संगीत के माध्यम से वर्णन किया गया है। वीडियो सीडी में गायक साहिल मेहता ने अपनी आवाज़ दी है, तो वहीं ज्ञान नेगी ने इसे संगीत से संवारा है। इस वीडियो सीडी का मंदिर कमेटी के प्रधान केदार सिंह श्याम द्वारा मंदिर परिसर में विधिवत विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे भी ये अच्छा गाना गाते रहे लगे, और देवता जी शरण को सही अनुमति दे और इनको जो है आशीर्वाद दे। कमेटी की ओर से भी इनको आशीर्वाद मिल रहा है और हमेशा मिलेगा, आगे देते रहेंगे लगे। और विधायक संघ की जनता जो भी है देवता की आस्था प्रति रखते हैं और देवता जी शरण के गाने पर भी लोग आस्था रखते हैं, हम चाहे इसका गाने ज्यादा से ज्यादा बने। बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे के बाद युवा कांग्रेस व एनएसयूआई ने कांग्रेस मुख्यालय से लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय तक सामूहिक रैली निकाली व धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि विपक्ष के विधायकों व नेताओं के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्रियों ने धक्का मुक्की की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा जब महंगाई, बेरोजगारी व सरकार की विफलताओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए तो विधानसभा स्पीकर द्वारा चर्चा को नजरअंदाज किया गया व मुद्दे को भड़काने का प्रयास किया गया। निगम भंडारी ने बताया कि उनके द्वारा राज्यपाल को उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें एक तरफा कार्यवाही न करते हुए बीजेपी के विधायकों पर भी कार्यवाही की मांग की जाएगी। कहीं जिस तरीके से हमारे विधायकों को निष्कासित किया गया, जबकि उन्हें निष्कासित नहीं करना चाहिए था, उनकी कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं मुद्दे को भड़काते हुए एक तरफा जो कार्रवाई की गई, आज कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना से ये लोकतंत्र की हत्या है, और आज इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के तमाम साथी कांग्रेस विधायकों के साथ खड़े हैं, और राज्यपाल महोदय को अभी डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे और मांग करना चाहेंगे कि एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए डिप्टी स्पीकर, बीजेपी के जो विधायक हैं और जितने मंत्री उसमें सम्मिलित थे, सबके खिलाफ FIR की जाए, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से गलत FIR संवैधानिक पद पे बैठ के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के द्वारा की गई है, हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द FIR को बर्खास्त किया जाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही, नमस्कार।